हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली गठबंधन की सरकार को 4 साल पूरे हो गए हैं। हेमंत सरकार के कार्यकाल की 4थी वर्षगांठ पर 29 दिसंबर को राजधानी रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में राजकीय समारोह का आयोजन किया गया था। इस दौरान सरकार ने अपनी महत्वपूर्ण नीतियों और अपने कामों को जनता के सामने रखा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बताया कि पिछले 4 साल में करीब 5,000 करोड़ की 300 से अधिक योजनाओं का शिलान्यास और करीब 1,000 करोड़ की 20 से ज्यादा योजनाओं का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम के दौरान शिक्षा विभाग के 662 शिक्षकों को और स्वास्थ्य विभाग के 307 चिकित्सा कर्मियों समेत अन्य लोगों को मुख्यमंत्री ने नियुक्ति पत्र भी बांटे। इसके साथ ही सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के दौरान पिछले 4 साल में जो काम किए गए मुख्यमंत्री ने उसका भी ब्यौरा दिया। सरकार का दावा है कि इसके तहत अब तक 31 लाख से ज्यादा लोगों के बीच 3500 करोड़ का लाभ पहुंचाया गया है। हेमंत सरकार का दावा है कि उसने अपने कार्यकाल में 12,475 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। सर्वजन पेंशन योजना, आबुआ आवास योजना, सोना सोब्रन धोती साड़ी योजना, सावित्री बाई फूले किशोरी समृद्धि योजना, फूलो जानो आशीर्वाद जैसी योजनाओं को हेमंत सरकार ज्यादा जोर दे रही है। इन योजनाओं से राज्य का कायकल्प हुआ है, ऐसा सरकार का मानना है। हरा राशन कार्ड, बिरसा हरित ग्राम योजना, मरंगगोम के जयपाल सिंह मुंडा परदेशिया छात्रवृत्ति योजना को भी झारखंड मुक्ति मोर्चा की गठबंधन सरकार अपनी अहम स्कीम्स बताती है। इसके अलावा मुख्यमंत्री गाड़ी ग्राम योजना, बिरसा सिंचाई कूप योजना, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन जैसी योजनाएं भी जिनसे राज्य के लोगों का कायाकल्प हुआ है। अगले साल लोकसभा चुनाव होना है और विधानसभा चुनाव। राज्य में किए अपने कामों को लेकर हेमंत सरकार जनता के बीच है, लेकिन ये तो समय ही बताएगा कि आने वाले वक्त में झारखंड की जनता किसे सत्ता सौंपती है।